हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आई होप कि मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि चेन में ना आयल डालने के लिए अपन यूज़ करते हैं जो मतलब आयल के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, कि यार हमारे चेन में जंग ना लगे और अच्छे से सिंपली हो, ऐसा करके। सो अपन क्या है कि बहुत सारे लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो मैंने पता है एक गलती कर ली लगता है मेरे को, तो मैंने एक जो लुब्रिकेशन ऑयल है, सो मैंने उसको अपने गाड़ी में डाला है, चेन में, पल्सर आरएस 200 में। सो दिखा दे रहा हूँ मैं। सो मैंने इसका यूज किया है, रोल ऑन का। तो ये मेरे को अराउंड 125 का पड़ा, 125 रुपये का पड़ा, जो भी है। सो इससे मैं क्या बताऊं कि मेरी जो गाड़ी की चेन की जो हालत है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। तो अभी गाड़ी नीचे खड़ी है, तो अभी मैं चल रहा दिखा रहा हूँ कि मतलब गाड़ी में चेन की हालत क्या है। सो ये खड़ी है गाड़ी, उसकी जो चेन की हालत है वो मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। सो ये चेन की जो हालत है, इसमें इतने पार्टिकल इतने पार्टिकल है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, जो बेसिकली लुब्रिकेंट जो रहता है, जो अपन यूज करते हैं, जो टू व्हीलर में डालते हैं अपन ऐसा करके, सो उसमें ऐसा करके कोई फेस नहीं करना पड़ता है कहने के तौर पे। पर मेरे आरएस में पता है ऐसा फेस करना पड़ा, तो मेरे को तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेकार लगा कहने के तौर पे। कमेंट में बताना कि यार रियल में ये ऐसा ही है कि मतलब ये वर्क ही ऐसा करता है ऐसा करके। सो मेरे को तो बहुत ही मतलब बेकार लगा कि यार इतने पार्टिकल्स उसमें चपक रहे हैं ऐसा करके। सो बहुत ही मतलब ख़राब ही था मेरे ख्याल से। सो मैंने इसको अब यूज़ करना बंद कर दिया है। और कमेंट में बताना भाई कि आप लोग अभी क्या कहना है इसके बारे में, चेन लुब्रिकेशन के बारे में, तो कमेंट करके बताना मेरे को। मेरा ओपिनियन तो बहुत ही गंदा था, मतलब कहने के तौर पे मैं सोचा नहीं था कि यार इतने पार्टिकल, इतने डस्ट उसको मतलब अपने तरफ खींचेगा। और यहाँ तक कि पता है मेरा जो कवर लगा है ना, उसमें भी आप एक बार देख लो। सो मेरी ये कवर की हालत देखो कैसी हो गई है। ये जो छोटे छोटे जो ये पड़े हैं ना, ये पूरे ना चेन के ही है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि क्या है इसमें और क्या नहीं है, तो वो तो दिख ही रहा है मेरे बाइक में कि कितना ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रही है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और थोड़ा ज़्यादा ही छोटा सा ही ओपिनियन था कि क्या कैसे करके। और कुछ कमेंट हो तो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, तो उसका रिप्लाई मैं दूंगा। या फिर इंस्टाग्राम में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो उसमें मैं रिप्लाई दे दूंगा। और जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और तो आगे की जो अपडेट रहेंगी वीडियो के तो देता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में।